हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फोस्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो आज मैं आपके साथ जो इन्फो शेयर करने वाली हूँ वो है कच्चे केले की सब्जी, यानी कि कच्चे केले के कोफ्ते आज हम बनाएंगे। तो ये रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनके तैयार होती है। तो ये कच्चे केले हैं जिन पे बस एक एक कट मैंने लगा के और इनको बॉईल कर लिया था, जस्ट 2 विसल। आपको सिर्फ कुकर में 2 विसल तक इनको बॉईल कर लेना है। अब बस उनका छिलका हम यहाँ पे इसको पील कर लेंगे, तो ये बहुत ही आराम से बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतर जाएगा। तो आपको इस तरह से सारे जितने भी केले आपने बॉईल करे हैं सबका छिलका उतार के आप इनको अलग रखते जाइए। तो यहाँ पे हमने सारे केले पील कर लिए हैं, अब इनको इस तरह से मैश करना है। अगर आपके पास मैशर है तो मैशर से कर लीजिए, और अगर ना आप हाथों से कर लीजिए जैसे हम आलू को मैश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें मैश करना है इसको भी, और बहुत ही अच्छे से मैश करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन, थोड़ा सा हमने प्याज, और ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा लहसुन है। इसी के साथ ऐड किया है नमक, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें ऐड करा है धनिया पाउडर, इसी के साथ हमने इसमें ऐड करा है काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे आमचूर। ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा। और इसमें ऐड करेंगे बेसन, जैसे नॉर्मल हम जैसे घी के कोफ्ते बनाते हैं, लौकी के जैसे कोफ्ते होते हैं, और जिस तरह से हम गोभी के कोफ्ते बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे ये। और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच करीब मैंने बेसन ऐड करा है, तो बेसन की कंसिस्टेंसी अगर आपको कम लगे तो आप उसको बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डालना है इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी, तो देसी घी इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे क्या होगा अंदर से जो कोफ्ते होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के अब आपको इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी करने हैं। तो यहाँ पे ये सारे हमने कच्चे केले के कोफ्ते बना लिए हैं, अब तलने के लिए है रेडी। एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में ऑयल, और एक तरफ पैन चढ़ा दिया है जिसमें मैं मसाला प्रिपेयर करूँगी। ये दोनों काम मुझे साथ में ही करने हैं। यहाँ पे देखिए अभी तेल अच्छा गर्म है, अभी इसके बाद तुरंत हम फ्लेम को लो मीडियम रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है फ्लेम को। जैसे ही सारे डल जाएंगे मैं फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूँगी। अब एक तरफ पैन है जिसमें मैं बाकी की ग्रेवी रेडी करूँगी, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम था अराउंड 5:30-6 बजे का, जिस टाइम मैं ये कोफ्ते बना रही थी, और हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम होता है तो बहुत जल्दी काम करना होता है, तो इसलिए झटपट काम कैसे करना है। तो एक तरफ अगर कोफ्ते तल रहे हैं तो दूसरी तरफ हम उसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए पहले कुछ मसाले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक कटोरी में मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसमें ली है मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कि अच्छा सा कलर आएगा उसमें, इसी के साथ लिया है थोड़ा सा आमचूर अराउंड 1 स्पून, और थोड़ा सा बेसन। तो बेसन से जो ग्रेवी होगी ना वो थोड़ी थिक बनेगी, अच्छी गाढ़ी बनेगी। तो उसके लिए अब इसके साथ कुछ साबुत मसाले ले लेते हैं, जिसमें लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून करीब हमने ली है मेथी दाना, और इसके साथ हमने 1/4 टीस्पून अराउंड हमने लिया है इसमें सौंफ, और इसमें ऐड करेंगे हम 1 से 2 तेज़पत्ता। तो ये मसाले हमारे एक तरफ रेडी हैं, और दोनों मसाले हमने रेडी कर लिए हैं, जो हमें बाद में ऐड करने हैं और जो हमें पहले ऐड करने हैं। एज आई सेड मॉर्निंग का टाइम है तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होता है, तो पहले से कुछ प्रिपरेशंस अगर करके रख लूँ तो टाइम बच जाता है। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको ऑयल में से निकाल लेती हूँ,
ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इनमें, और ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट इस तरह के बनते हैं। अब एक तरफ यहाँ पे रेडी हो रही है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने तेज पत्ता डाल दिया है और बाकी जितने भी साबुत मसाले थे वो सब इसमें डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ प्याज, तो ये ग्राइंड कर लिया था अनियन, तो ये जो ग्राइंड करके रखे थे मैंने रात को ही ग्राइंड करके रख लिए थे क्योंकि सुबह बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें तैयार करूं। तो एक तरफ मैं आपको ये कोफ्ते दिखा देती हूँ, देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी हैं ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे ना, तो ये बहुत क्रिस्पी बने थे, और ये देखिए ये अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। तो आपको ये काम करना है, जितने भी कोफ्ते हैं इस तरह से आप उनमें एक एक होल कर लीजिए जिससे कि जितनी ग्रेवी होगी ना वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इतने अच्छे से देखिए प्याज हमें भूननी है इसमें बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल जैसे ड्राई सी हो गई है ना बिल्कुल ऐसी प्याज हमें रेडी करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मसाले, जिसमें बेसन वगैरह ऐड था ना जो बिल्कुल ड्राई मसाले थे वो मैंने डाले हैं। तो इसको भी इसी तरह से भून लेंगे क्योंकि इसमें बेसन है, तो बेसन को भूनना थोड़ा ज़रूरी है वरना बेसन कच्चा रह जाएगा और उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये ड्राई मसाले बहुत अच्छे से भून लेने हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड अभी नहीं किया है, अगर आप खाते हैं मतलब अगर आप पसंद करते हैं तो ऐड कर लीजिएगा, मैंने ऐड अभी नहीं किया था क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे लहसुन अवेलेबल नहीं था। बट आप ऐड करना चाहें तो प्याज जिस समय ऐड करते हैं उसके 2 मिनट बाद ही प्याज के साथ आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें बाद में थोड़ा सा और ऐड करा है क्योंकि मुझे एक अच्छा सा कलर चाहिए था कोफ्ते में, तो इसमें मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी थी। तो ये हमारे कुछ मसाले बनके हो गए हैं रेडी। इसमें अब ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी, जो हमने टमाटर ग्राइंड करके रखे थे अब उसको ऐड कर दिया है। बस अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मेन काम है इस ग्रेवी को अच्छे से पकाना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये वाला प्रोसीजर है क्योंकि इसमें हमें कम से कम 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट, तो इतना टाइम आप लेके चलिएगा कि जो 15 मिनट है इस ग्रेवी को प्रिपेयर होने में लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह से ड्राई करी है हमने ग्रेवी, उतनी देर तक आपको उसको पकाना है। और इसके बाद मैंने ऐड करा है इसमें थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद आप इसको चलाते रहिए क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी कि और कितना गाढ़ा रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं फिर चलाया, फिर ऐड करा, फिर चलाया, तो इस तरह से मुझे पता लगा कि इसमें एग्जैक्टली कितना पानी ऐड होगा। अब इसमें मैंने लास्ट में ऐड करा है थोड़ा सा गर्म मसाला, इसी के साथ थोड़ी सी आप डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा हाथ से ऐसे मसल के इसको डाल दीजिएगा, और उसके बाद इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देना है। तो ये इसको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, तो मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा इसमें बॉईल आने देंगे, और जैसे ही बॉईल आ जाएगा उसको एक बार और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे कोफ्ते। तो बस अब इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। तो है ये बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी, जिस तरह से हम बाकी के कोफ्ते बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है, बस 2-3 चीज़ें अलग हैं कि मसाले किस तरह से हमने इसमें डाले हैं, बस वो 1-2 प्रोसीजर इसमें समझ लीजिए कि वो अलग है, बाकी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। तो ये देखिए 5 मिनट तक और बॉईल करेंगे कोफ्ते डालने के बाद, क्योंकि जैसे ही कोफ्ते डालेंगे ना आप देखिएगा ग्रेवी थोड़ी थिक होने लग जाएगी, और जैसे ही हमारे कोफ्ते और ग्रेवी रेडी हो जाएंगे, ये मैंने फ्लेम यहाँ बंद कर दी है और इसमें ऐड करी है थोड़ी सी क्रीम क्योंकि ये है बहुत ही टेस्टी कोफ्ते, तो इसको और ही इसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा क्रीम ऐड करी है जिससे इसकी शक्ल सूरत और स्वाद को और भी 4 चांद लग जाएंगे। तो ये इस तरह की बिल्कुल प्रेजेंटेबल बन गई है कि आप किसी के सामने भी अपने गेस्ट के सामने कैसे भी आप सर्व कर सकते हैं, एक बहुत ही चाहे डिनर में खाइए चाहे आप लंच में खाइए। यहाँ पे मैं लंच में पैक कर रही हूँ क्योंकि ये हमने पूरे दिन सब्जी ये वाली खानी थी तो उसी हिसाब से मैंने बनाई है, और कच्चे केले के कोफ्ते बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी।
इसमें जब बाद में सर्व किया थोड़ी सी क्रीम मैंने और ऐड कर दी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।